अभी चंद मिनटों पहले राजघाट से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी बोल रहे थे। हमने उनके वचनों को सुना और जिस प्रकार से दोहरी राजनीति कांग्रेस की है और जिस प्रकार से वह राजनीति आज देश के सामने खुलकर आई है, उस विषय में कुछ चंद महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। नंबर एक, आज पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार का मजाक कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने राजघाट से किया है, हमारा स्पष्ट मानना है कि सबसे अधिक कष्ट किसी को हुआ होगा तो राजघाट में जिस प्रकार का छलावा किया कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हृदय को हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की नीति को छलनी करके रख दिया है। सत्याग्रह का कितना बड़ा अर्थ होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ना, उसके लिए कष्ट सहना और एक आंदोलन के स्वरूप को जन्म देना। मगर यहां कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आज हम सुबह से मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के फोटो देख रहे हैं, छोले भटूरे खाने के पश्चात उपवास, यह घृणक काम है, यह मजाक है। आपने दलितों के साथ, आपने किसानों के साथ, आपने गरीबों के साथ जिस प्रकार का मजाक किया है, उसके लिए देश आपको माफ नहीं करेगा। राहुल जी, हम लोग राजनीति में हैं, कुछ सोर्सेज हमारे भी होते हैं, हमें भी लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए, यह बुराई नहीं है, आप कोई कितने बजे सुबह सो के उठता है, यह बुराई नहीं है। मगर राहुल जी की आदत है, अगर वो बहुत जल्दी कभी उठ जाते हैं तो वो कहते हैं कि दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, आपको याद होगा। और खबर यह भी है कि आदरणीय राहुल गांधी जी आज शायद उन्होंने कहा था कि 10 से 1 बजे तक का, 10 से 4 बजे तक का धरना रहेगा, 10 से 4 बजे तक वो उपवास करेंगे, मगर जहां तक हमारी खबर है वो 1 बजे पहुंचे हैं। क्या आप सो के नहीं उठ पाते एक दिन? आप अगर 11 बजे सो के उठेंगे तो स्वाभाविक है आप 1 बजे पहुंचेंगे। वहां आपके तमाम नेतागण, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, वो ठहाके मारकर छोले भटूरे खा रहे हैं, और जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं तो कहते हैं तो क्या हो गया, उपवास से पहले हमने छोले भटूरे खाए। बंधुओं, इसीलिए आज सुबह हमने कहा ये उपवास के नाम पर गरीबों के साथ, दलितों के साथ उपहास और भद्दा मजाक राहुल गांधी ने किया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ लग्जरी। आप सुबह सो के नहीं उठ सकते हैं, भूख, एक वक्त की भूख को आप झेल नहीं सकते हैं, और आप बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप बात करते हैं आंदोलन की। आप लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो प्रणेता हैं, गांधी परिवार हो चाहे कांग्रेस के बाकी आला नेता हो, दे आर यूज टू द पॉलिटिक्स ऑफ लग्जरी। आनंद के वातावरण में रहना, विलासिता में रहना और विलासिता के माध्यम से अपने जीवन को बसर करना, यही कांग्रेस की नीति है। यहां बिल्कुल आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक साधारण पिछड़े वर्ग से आया हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ, सबका चहेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो विश्वास करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में, जिन्होंने दलितों को मुख्य धारा में, सुबह हमने जनधन योजना के विषय में बताया था, मुद्रा के विषय में बताया था, सबसे ज्यादा एमपी और एमएलए हमारे पार्टी के दलितों में से हैं, अर्थात राजनीतिक समावेश और आर्थिक रूप से समावेश दोनों को ही किसी ने धराधाम पे उतार के हिंदुस्तान में दिखाया है तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज राहुल गांधी जी उन्हें एंटी दलित कहते हैं। राहुल जी, एंटी दलित कौन है? 70 वर्षों तक जिन्होंने दलितों को फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर रखा, उनका अकाउंट तक नहीं खोला, जो लोग एक वक्त भूखे नहीं रह सकते हैं, जो सुबह उठकर उपवास तक करने नहीं आ सकते हैं, वो लोग एंटी दलित हैं, या जो दलितों को मुख्य धारा में लेकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं वो एंटी दलित हैं। राहुल जी, यह उपवास और ये छोले भटूरे, ये सुनने में तो शायद हमें कई बार अजीब लगता होगा, मगर यह सत्ता के भूख का खेल है। यह केवल छोले भटूरे का भूख नहीं है, दिस इज द हंगर फॉर पावर, यह सत्ता का भूख है। सत्ता से बाहर गांधी परिवार एक मुहूर्त के लिए नहीं रह सकती है। जल बिन पानी, जल बिन मछली,
उस तरह की हालत उनको होती है, किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, समाज को समाज से लड़ाना पड़ जाए, हिंसा फैलाना पड़ जाए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बात की गई थी, चलो आग लगा देते हैं, आग लगाने की राजनीति करनी पड़ जाए, कैम्ब्रिज एनालिटिका या इसका नाम कांग्रेस एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका या कांग्रेस एनालिटिका जो कंपनी है उसके माध्यम से समाज को तोड़ने की बात करना, किसी भी हद तक चले जाना, मगर ये जो सत्ता लौलुपता है, दिस हंगर फॉर पावर इन द कांग्रेस पार्टी, ये सत्ता की जो भूख है उसी का नतीजा, ये फोटो तो छोटा सा है, ये फोटो छोटा सा है मगर ये फोटो बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि एक वक्त भी, एक वक्त का नाश्ता, एक वक्त की विलासिता कांग्रेस पार्टी के नेता गरीबों के लिए छोड़ नहीं सकते। सत्ता का भूख और भ्रष्टाचार की भूख, 12 से 14 लाख करोड़ रुपए आपने विगत 10 वर्षों में लूटा है। ये छोले भटूरे उसका एक मिनिएचर प्रेजेंटेशन है कि कैमरे के सामने की राजनीति और कैमरे के पीछे की राजनीति, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से दोहरी राजनीति करती है, दोहरे मापदंड की राजनीति है, यह बहुत बड़ा संदेश हिंदुस्तान की जनता को देती है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, 100 भटूरे खाकर राहुल गांधी उपवास करने चले हैं। पहले खाया पेट भर के भटूरा छोला, पहले खाया पेट भर के भटूरा छोला, फिर पहुंच गए उपवास करने बिन बदले चोला। ये ऐसे लोग हैं, अगर कपड़े बदल के चले गए होते तो अभी भ्रांति फैलाते कि अरे ये तो आज की नहीं है, ये तो एक साल पहले खा रहे थे। आज जब कपड़े बदल के नहीं गए, उन्हीं कपड़ों के साथ राहुल जी के साथ बैठे और पकड़े गए, तब बोल रहे थे तो क्या हो गया, हम तो पहले खा रहे थे, उपवास से पहले खा रहे थे। देखिए ये जो चोला बदलने की राजनीति है, कैमरे की आगे और कैमरे की पीछे की राजनीति, आज ये एक्सपोज हो गया है। 1984 में सिखों के साथ दंगा किया, आज चोला उतर गया है। किस प्रकार से आपने दलितों के खिलाफ काम किया, आज चोला उतर गया है। और राहुल जी आपने कहा पूरे देश में आज कांग्रेस के लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। अगर राहुल जी के घर का यह हाल है कि राहुल जी राजघाट पर बैठकर गांधी जी के साथ मजाक कर रहे हैं, तो पूरे देश में कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, यह आप सोच सकते हैं।